तो आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी थर्ड, और हम यूनिट शुरू कर रहे हैं थर्ड ग्राइंडिंग। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ग्राइंडिंग क्या होती है, पर्पस क्या होते हैं ग्राइंडिंग के, कि हम ग्राइंडिंग क्यों करते हैं, ग्राइंडिंग ऑपरेशंस के बारे में, ग्राइंडिंग हम किन मेथड की सहायता से करते हैं, मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ग्राइंडिंग कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ग्राइंडिंग क्या होती है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है, टॉपिक क्या है, ग्राइंडिंग, कि ग्राइंडिंग क्या होता है। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग तो ग्राइंडिंग क्या है, आपने देखा हो ग्राइंडिंग, सिंपल भाषा में किसी चीज को ग्राइंड करना। तो ग्राइंडिंग हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास क्या है, एक रोटेटिंग व्हील है, हमारे पास क्या है, एक रोटेटिंग व्हील है, वो व्हील एब्रेसिव पार्टिकल्स का बना हुआ है। हमारे पास क्या है, मान लीजिए एक रोटेटिंग व्हील है, वो व्हील बना हुआ है एब्रेसिव पार्टिकल का। उसका काम क्या है, मटेरियल को रिमूव करना। हमारा वर्कपीस है, वर्कपीस के ऊपर जो मटेरियल है उसको स्मॉल चिप्स के रूप में रिमूव करना, वो काम है ग्राइंडिंग व्हील का, ठीक है, व्हील का। तो जैसे कि आप बोल सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ मटेरियल रिमूवल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल चिप्स, कि छोटी छोटी चिप्स की फॉर्म में मटेरियल को रिमूव करना विद द हेल्प ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल व्हील। कि हमारा एक व्हील होगा, रोटेटिंग व्हील होगा, वो किसका बना होगा, एब्रेसिव पार्टिकल्स का बना होगा। जब वो रोटेट करेगा तो वो क्या करेगा, मटेरियल को रिमूव करेगा छोटी छोटी चिप्स के रूप में। तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम बोल देंगे ग्राइंडिंग, और जिस व्हील की सहायता से हम करेंगे उस व्हील को हम बोलेंगे ग्राइंडिंग व्हील। तो क्या लिखेंगे हम ग्राइंडिंग में, कि ग्राइंडिंग क्या होती है, ए प्रोसेस ऑफ मटेरियल रिमूवल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल चिप्स, ए प्रोसेस ऑफ मटेरियल रिमूवल, ए प्रोसेस ऑफ मटेरियल रिमूवल इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल चिप्स, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल चिप्स बाय रोटेटिंग एब्रेसिव पार्टिकल्स, ठीक है, बाय रोटेटिंग एब्रेसिव पार्टिकल bonded together in a grinding wheel is known as grinding। तो देखो हमने क्या लिखा, कि a process of material removal in the form of small chips by rotating abrasive particle bonded together wheel। कि हमारे पास एक व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील है, वो एब्रेसिव पार्टिकल से बॉन्डेड, मतलब मिलकर बना हुआ है, और उसका काम क्या है, स्मॉल चिप्स, हमारे मटेरियल को रिमूव करना छोटी छोटी चिप्स की फॉर्म में। यानी कि हम एक रोटेटिंग व्हील यूज करेंगे, वो व्हील बना होगा एब्रेसिव पार्टिकल का, जब वो रोटेट करेगा तो छोटी छोटी चिप्स के रूप में वो मटेरियल को रिमूव करेगा। उस पूरी प्रोसेस को हम बोल देंगे ग्राइंडिंग प्रोसेस, ग्राइंडिंग, और जिस व्हील की सहायता से हम करेंगे ये सारे ऑपरेशन को परफॉर्म, उस व्हील को हम बोल देंगे ग्राइंडिंग व्हील। उस व्हील को हम क्या बोलेंगे, ग्राइंडिंग व्हील। इसका यूज हम कहां पे करते हैं, अगर हमने कोई भी हमारा टर्निंग टूल है उसको शार्प करना है, तो शार्पनिंग ए टर्निंग टूल, हम टूल को शार्प करने के लिए यूज करते हैं। मिलिंग कटर है, मिलिंग कटर को हमने शार्प करना है, तब भी हम किसका यूज करेंगे, ग्राइंडिंग ऑपरेशन का यूज करेंगे। हमने सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग करनी है किसी शाफ्ट के अंदर, तब भी हम किसका यूज करेंगे, ग्राइंडिंग का। तो काफी जगह पे यूज कर सकते हैं, हमने सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग करनी है किसी शाफ्ट में, या फिर हमने कोई इंटरनल ग्राइंडिंग करनी है तब यूज कर सकते हैं। हमने टर्निंग टूल को, या फिर हमारा मिलिंग टूल है, उन टूल्स को हमने शार्प करना है, तब भी हम किसका यूज करेंगे, ग्राइंडिंग का, तब भी हम किसका यूज करेंगे, ग्राइंडिंग का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पर्पस ऑफ ग्राइंडिंग, कि हम ग्राइंडिंग क्यों करते हैं, या फिर कहां कहां पे करते हैं, पर्पस ऑफ ग्राइंडिंग, कि ग्राइंडिंग करने का उद्देश्य क्या है, पर्पस ऑफ ग्राइंडिंग।
ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पर्पस ऑफ ग्राइंडिंग, पर्पस ऑफ ग्राइंडिंग, कि ग्राइंडिंग करने का उद्देश्य ही क्या है, पर्पस ऑफ ग्राइंडिंग, ठीक है, पर्पस ऑफ ग्राइंडिंग। तो पर्पस हम ग्राइंडिंग करेंगे क्यों, सबसे पहला पॉइंट जो आपको पहले बताया, शार्पनिंग ऑफ टूल्स, कि जितने भी हमारे टूल्स हैं, कटर्स हैं, उनको शार्प करने के लिए, उनको शार्प करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ग्राइंडिंग का यूज करेंगे। उसके बाद जितनी भी थ्रेड्स हैं उनको ग्राइंड करने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, ग्राइंडिंग का यूज करेंगे। सरफेस को स्मूथ करने के लिए हमारे पास कोई वर्क पीस है, हमने उसको फ्लैट सरफेस है, सरफेस को हमने स्मूथ करना है, तब भी हम किसका यूज करेंगे, ग्राइंडिंग का यूज करेंगे। कोई हार्ड मटेरियल है जिसको हम किसी और प्रोसेस से नहीं कर सकते, तब भी हम यूज करेंगे मशीनिंग करने के लिए, ग्राइंडिंग का यूज करेंगे हार्ड मटेरियल को। जब हमने स्मॉल अमाउंट में मटेरियल को रिमूव करना है, छोटी छोटी चिप्स के रूप में मटेरियल को रिमूव करना है, तब भी हम यूज करेंगे ग्राइंडिंग का। और अगर हम चाहते हैं कि हाई डिग्री के साथ, कि अगर हम हाई डिग्री के साथ मेटल को रिमूव करना चाहते हैं, हाई रेट के साथ मेटल को रिमूव करना चाहते हैं, तब भी हम किसका यूज करेंगे, ग्राइंडिंग का। तो ये चार पांच पॉइंट होंगे, सबसे पहले शार्पनिंग ऑफ टूल, कि अगर हमने टूल को शार्प करना है, ठीक है, शार्प करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमने टूल को क्या करना है, शार्पनिंग करनी है टूल की, शार्पनिंग ऑफ टूल्स, हमने टूल्स को शार्प करना है तब हम यूज कर लेंगे। हमने सरफेस को स्मूथ करना है, ठीक है, सरफेस को स्मूथ करना है तो भी हम किसका यूज कर लेंगे, ग्राइंडिंग का यूज करेंगे। उसके बाद अगर हम चाहते हैं, जैसे हमारे पास कोई हार्ड मटीरियल है, तो हार्ड मटेरियल की मशीनिंग के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, ग्राइंडिंग का यूज करेंगे हार्ड मटेरियल की मशीनिंग के लिए, ठीक है, हार्ड मटेरियल की अगर हम मशीनिंग करना चाहते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, अगर हम स्मॉल अमाउंट में मटेरियल को रिमूव करना चाहते हैं, स्मॉल मटेरियल रिमूव, ठीक है, स्मॉल मटेरियल रिमूवल, कि अगर हम छोटी छोटी चिप्स के रूप में मटेरियल को रिमूव करना चाहते हैं, अगर हम हाई डिग्री के साथ मटेरियल को रिमूव करना चाहते हैं, तब भी हम किसका यूज कर लेंगे, ग्राइंडिंग का, ठीक है, हाई ठीक है हाई मटेरियल रिमूव, तो तब भी हम किसका यूज करेंगे, ग्राइंडिंग का। तो ये हमने कुछ पर्पस पड़े ग्राइंडिंग के। अगर हम थ्रेड की कटिंग करना चाहते हैं, थ्रेड ग्राइंडिंग में भी हम इसका यूज कर लेंगे, कहां पे यूज कर लेंगे, थ्रेड ग्राइंडिंग में, थ्रेड ग्राइंडिंग में भी हम इसका यूज कर लेंगे। तो ये कुछ पॉइंट है जो पर्पस है किसके, ग्राइंडिंग के, कि अगर हमने टूल्स को शार्प करना है तो शार्पनिंग करने के लिए हम यूज कर लेंगे, अगर हमने किसी सरफेस को स्मूथ बनाना है तब भी हम ग्राइंडिंग का यूज करेंगे, कोई हमारे पास हार्ड मटेरियल है जिसपे हम कोई अदर ऑपरेशन नहीं कर सकते, मशीनिंग ऑपरेशन नहीं कर सकते, तब भी हम किसका यूज कर लेंगे, ग्राइंडिंग ऑपरेशन का। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमने मटेरियल को रिमूव करना है स्मॉल चिप्स की फॉर्म में, छोटी छोटी मात्रा में हमने मटेरियल को रिमूव करना है, तब भी हम यूज कर लेंगे ग्राइंडिंग का। नेक्स्ट, अगर हम चाहते हैं कि हाई मटेरियल रिमूवल हो, जो हम मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं वो रेट हाई हो, तब भी हम किसका यूज कर लेंगे, ग्राइंडिंग का। और लास्ट में अगर हम कोई थ्रेड कटिंग कर रहे हैं या थ्रेड ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तब भी हम किसका यूज कर लेंगे, ग्राइंडिंग का। और आपको बकायदा जैसे शार्पनिंग ऑफ टूल, मिलिंग का कोई टूल करना हो, या फिर हमने मिलिंग का कोई कटर है उसको शार्प करना हो, टर्निंग का टूल को शार्प करना हो, तो इन सारी चीजों में तो हम किसका यूज कर लेंगे, ग्राइंडिंग का। तो ग्राइंडिंग ऑपरेशन को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे ग्राइंडिंग व्हील के बारे में। आपको बताया कि ग्राइंडिंग व्हील कौन सा होता है, ऐसा व्हील जो क्या एब्रेसिव पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ऐसा व्हील जो एब्रेसिव पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उस व्हील को हम बोल देते हैं ग्राइंडिंग व्हील, जिसका काम क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में मटेरियल को रिमूव करना, स्मॉल चिप्स के रूप में मटेरियल को रिमूव करना, किसका काम है, ग्राइंडिंग व्हील का काम है। तो अब हम पढ़ेंगे ग्राइंडिंग व्हील के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ग्राइंडिंग व्हील, कि ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है, ये क्या होता है, एक व्हील, हार्ड व्हील होता है, जो कि किसका बना होता है, एब्रेसिव पार्टिकल्स का बना होता है,
ये क्या ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है, एक हार्ड व्हील होता है, एक हार्ड चक्कर होता है जो कि किसका बना होता है, एब्रेसिव पार्टिकल्स का बना होता है, और जो मटेरियल को रिमूव करता है वो किस कैसे करता है, एब्रेसिव एक्शन से, एब्रेशन होती है इसके अंदर, एब्रेसिव एक्शन होता है जिसकी सहायता ये क्या करता है, मटेरियल को रिमूव करता है। ठीक है, तो ग्राइंडिंग व्हील में हम लिख लेंगे ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील एक ऐसा व्हील होता है जो हार्ड होता है और एब्रेसिव पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, एब्रेसिव पार्टिकल्स, एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं वो मटेरियल के साथ बॉन्ड बनाते हैं जिसकी वजह से वो व्हील है हमारा आगे ग्राइंडिंग के ऑपरेशन के लिए हम यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे ग्राइंडिंग व्हील के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं ग्राइंडिंग व्हील के, कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स होते हैं ग्राइंडिंग व्हील के, एलिमेंट्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है, व्हील आपको पता है कि सिंपल एक व्हील होगा, हार्ड व्हील होगा, जैसे हार्ड एक चक्कर जैसा सिलेंड्रिकल व्हील होगा, उसके ऊपर क्या होगा, एब्रेसिव पार्टिकल्स होंगे जिसकी सहायता से वो क्या करेगा, मटेरियल को रिमूव करेगा। एलिमेंट्स होते हैं ग्राइंडिंग व्हील्स के, ठीक है, जैसे फर्स्ट है एब्रेसिव, सबसे पहला पार्ट होता है एब्रेसिव, ठीक है, फर्स्ट है एब्रेसिव, सेकेंड जो होता है, सेकेंड होता है ग्रेन साइज, सेकेंड है ग्रेन साइज, थर्ड है बॉन्ड, जो थर्ड होता है बॉन्ड, फोर्थ है ग्रेड, ठीक है, फोर्थ क्या है हमारे पास, ग्रेड, और जो सिक्स नंबर पे है वो है स्ट्रक्चर, सिक्स नंबर पे क्या है हमारे पास, स्ट्रक्चर। तो ये एलिमेंट है किसकी, एलिमेंट ग्राइंडिंग व्हील की। तो जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है वो इनकी सहायता से बना होता है, ये एलिमेंट्स है ग्राइंडिंग व्हील के। सबसे पहले जब हम बात करेंगे एब्रेसिव के बारे में कि एब्रेसिव क्या होता है, तो एब्रेसिव क्या है, एक सब्सटेंस है, एब्रेसिव क्या है, एक पदार्थ है, एक सब्सटेंस है जिसका यूज हम करते हैं मटीरियल को रिमूव करने के लिए व्हील के अंदर। एब्रेसिव क्या है, एब्रेसिव एक सब्सटेंस है जिसका यूज हम करते हैं व्हील के अंदर ताकि वो मटेरियल को रिमूव कर सके विद द एक्शन ऑफ एब्रेशन, एब्रेशन एक्शन के साथ वो मटेरियल को रिमूव कर सके। ठीक है, तो ये एब्रेसिव क्या है, एक सब्सटेंस है, ये क्या है, एक सब्सटेंस, ये क्या है, एक सब्सटेंस यूज्ड फॉर, ठीक है, ए सब्सटेंस यूज्ड फॉर मेटल, यूज्ड फॉर मेटल रिमूवल, यूज्ड फॉर मेटल रिमूवल, ठीक है, मेटल रिमूवल बाय एब्रेशन, मेटल रिमूवल बाय एब्रेशन, ठीक है। तो वही बताया कि एब्रेसिव क्या है, एब्रेसिव एक सब्सटेंस है जिसका यूज हम करते हैं व्हील के अंदर मेटल को रिमूव करने के लिए। एक्शन कौन सा होगा, एब्रेशन, एब्रेशन एक एक्शन होगा जिसकी सहायता से वो मेटल को रिमूव करेगा, एब्रेसिव हमारा क्या है, एक सब्सटेंस। आगे जब हम बात करते हैं एब्रेसिव की, ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं, पहले एब्रेसिव के बारे में जान लेते हैं अच्छी तरह से। तो एब्रेसिव में हमने क्या लिखा है कि एक सब्सटेंस है जिसका यूज हम करते हैं व्हील के अंदर मेटल को रिमूव करने के लिए विद द एक्शन ऑफ एब्रेशन, एब्रेशन हमारा एक्शन होगा जिसकी सहायता से हम मेटल को रिमूव करेंगे व्हील की सहायता से। जो एब्रेसिव होता है, एब्रेसिव आगे दो प्रकार का होता है, जो एब्रेसिव है, एब्रेसिव भी फर्दर आगे टू टाइप्स का होता है, एक होता है नेचुरल एब्रेसिव और दूसरा होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। एब्रेसिव क्या है, आगे दो प्रकार का होता है, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है, वन फर्स्ट कौन सा होता है, नेचुरल, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, ठीक है। तो ये दो प्रकार का क्या होता है, एब्रेसिव होता है। फर्स्ट वन कौन सा है, नेचुरल एब्रेसिव, पहला कौन सा है, नेचुरल एब्रेसिव, और दूसरा जो है हमारे पास वो कौन सा है, आर्टिफिशियल एब्रेसिव, आर्टिफिशियल एब्रेसिव। तो नेचुरल कौन सा होगा, नेचुरल यानी कि जो प्राकृतिक एब्रेसिव हो गए, जो हमें प्राकृतिक तौर पे मिलेंगे वो सारे होते हैं नेचुरल। आर्टिफिशियल जो हमारे द्वारा बनाए गए होंगे, जो मशीनों द्वारा जनरेट किए गए होंगे, तो वो आजकल मॉडर्न लाइफ में आर्टिफिशियल एब्रेसिव व्हील्स का ज्यादातर यूज किया जा रहा है। अब आर्टिफिशियल एब्रेसिव का व्हील्स को बनाने में यूज किया जा रहा है आज की मॉडर्न लाइफ में, क्योंकि इनको इजिली कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, इजिली कंट्रोल किया जा सकता है व्हील के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल एब्रेसिव की। तो नेचुरल एब्रेसिव कौन से होते हैं, जैसे सैंडस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गए, एमरी हो गया,
डायमंड हो गया, ठीक है, सैंडस्टोन, एमरी, डायमंड, तो ये सारे कौन से हैं? नेचुरल स्टोन्स, सॉरी नेचुरल एब्रेसिव, जैसे हमने बात की सैंडस्टोन की, एमरी की, उसके बाद डायमंड की, तो ये सारे हैं नेचुरल स्टोन जो हम यूज करते हैं व्हील के अंदर ग्राइंडिंग करने के लिए, मेटल को रिमूव करने के लिए। जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल एब्रेसिव की, तो ये आर्टिफिशियल एब्रेसिव अभी मॉडर्न लाइफ में काफी यूज हो रहे हैं, क्योंकि इनको कंट्रोल करना और इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो काफी इजीली होती है। इन एब्रेसिव को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं आर्टिफिशियल एब्रेसिव को। तो आर्टिफिशियल में आ जाते हैं जैसे सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, आर्टिफिशियल में आ जाते हैं जैसे सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड, तो ये क्या है सिलिकॉन कार्बाइड, क्या है, एक आर्टिफिशियल एब्रेसिव है। इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो ये हमने सबसे पहले टॉपिक एलिमेंट थे हमारे, हमने पांच एलिमेंट्स के नाम लिखे थे। सबसे पहले एलिमेंट की हमने बात की वो था एब्रेसिव। एब्रेसिव में हमने क्या पढ़ा कि एक सब्सटेंस होता है जिसका यूज हम करते हैं मेटल को रिमूव करने के लिए बाय एब्रेशन, एब्रेशन एक्शन के साथ हम मेटल को रिमूव करते हैं। एब्रेसिव हमारा दो प्रकार का होता है, आगे नेचुरल एब्रेसिव और आर्टिफिशियल। नेचुरल होता है जो हमें प्राकृतिक रूप से मिले, जैसे हमने सैंडस्टोन है, एमरी है, डायमंड है, तो ये सारे कौन से एब्रेसिव है, नेचुरल एब्रेसिव है, जिनका हम यूज करते हैं ग्राइंडिंग व्हील में। जब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल एब्रेसिव की, इसका हम वाइडली यूज कर रहे हैं मॉडर्न लाइफ में, इंडस्ट्रीज में। आर्टिफिशियल एब्रेसिव में कौन से आ जाते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड हमारे कौन से होंगे आर्टिफिशियल एब्रेसिव। अब हम बात करेंगे सेकंड ग्रेन के बारे में कि ग्रेन साइज क्या होता है। अब हम बात करेंगे सेकंड एलिमेंट की, ग्राइंडिंग व्हील के सेकंड एलिमेंट की अब हम बात करेंगे। सेकंड कौन सा है, ग्रेन साइज, ठीक है, सेकंड एलिमेंट है हमारा ग्रेन साइज, सेकंड एलिमेंट है ग्रेन साइज। तो ग्रेन साइज क्या होता है, जैसे हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स होता है तो उसी तरह क्या है, जो एब्रेसिव होते हैं आर प्रोड्यूस बाय ग्राइंड मिल्स, कि जो एब्रेसिव हम पैदा करते हैं, जो एब्रेसिव हम प्रोड्यूस करते हैं वो कहां से होते हैं, ग्राइंड की जो मिल्स होती है, यानी कि ग्राइंड जब हम करते हैं, मिल्स करते हैं, तो उससे हमें मिलते हैं ग्रेन्स, एब्रेसिव्स मिलते हैं। द साइज ऑफ ग्रेन्स प्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रेन साइज। और जो साइज वो ग्रेन के प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास एब्रेसिव होंगे वो जैसे बड़े बड़े फॉर्म में होंगे, जैसे तरह काफी सारे एब्रेसिव्स होंगे, ठीक है, ये क्या है हमारे पास एब्रेसिव्स हैं काफी सारे, ये क्या है हमारे पास एब्रेसिव्स हैं मान लीजिए, तो ग्राइंड मिल्स क्या करेगी, इनको साइज के हिसाब से, इनको साइज के हिसाब से क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। देखिएगा द साइज ऑफ ग्रेन्स प्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस, ठीक है, कि ग्रेन साइज क्या होगा, हमारे एब्रेसिव होंगे, एब्रेसिव हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, एब्रेसिव जो हमारे प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं ग्राइंड मिल से, ठीक है, हमारी ग्राइंड मिल्स होती हैं, उसकी सहायता से हम प्रोड्यूस करते हैं, किसको प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं किसको, एब्रेसिव को प्रोड्यूस करते हैं। जो एब्रेसिव होते हैं, जो इनका ग्रेन साइज होता है, वो प्रोड्यूस होता है किसकी सहायता से, एक प्रोसेस की सहायता से, उस प्रोसेस को बोल देते हैं ग्रेन साइज, कि हमने जो एब्रेसिव पार्टिकल्स यूज किए हैं व्हील के अंदर उनका साइज कितना है, मतलब कितने कितने साइज के हमने एब्रेसिव के टुकड़े किए हैं, उस पूरी प्रोसेस को बोल देते हैं ग्रेन साइज, कि हमने जो साइज रखा है वो कितना साइज है। तो ये हमने पढ़ा ग्रेन साइज में। तो ग्रेन साइज में हमने क्या कहें कि जो एब्रेसिव होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं ग्राइंड मिल की सहायता, ठीक है, जो एब्रेसिव होते हैं वो प्रोड्यूस किसकी सहायता से होते हैं, ग्राइंड मिल्स की सहायता से होते हैं, और ग्राइंड का जो साइज होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम एक प्रोसेस का यूज करते हैं, उस प्रोसेस को बोल देते हैं ग्रेन साइज, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, ग्रेन साइज। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड एलिमेंट की, अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड एलिमेंट की, थर्ड एलिमेंट है हमारा बॉन्ड, कि बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड मतलब बांधना, बॉन्ड मतलब जोड़ के रखना किसी चीज को। थर्ड एलिमेंट है हमारा बी ओ एन डी, बॉन्ड,
ठीक है। तो बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड यानी कि जोड़ कर रखना। जैसे हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल्स को व्हील के साथ मटेरियल के साथ बांध के रखना, तो उसको हम बॉन्ड बोल देते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि बॉन्ड इज ए मटेरियल यूज्ड फॉर होल्डिंग एब्रेसिव ग्रेन्स टुगेदर एंड गिविंग द डिजायर शेप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। कि बॉन्ड क्या है, बॉन्ड एक मटेरियल है, एक मटेरियल है जिसका हम यूज करते हैं जो भी हमारे एब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं, जो भी हमारे एब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं उनको होल्ड करने के लिए, उनको टुगेदर इकट्ठे बांध कर रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बॉन्ड का यूज करते हैं। कि बॉन्ड इट इज ए मटीरियल, इट इज ए मटीरियल, ये एक मटीरियल है विच इज यूज फॉर, विच इज यूज फॉर होल्डिंग, विच इज यूज फॉर होल्डिंग एब्रेसिव grains together, abrasive grains together and giving the desired shape, and giving the desired shape of V। ठीक है, तो ये बॉन्ड है। कि बॉन्ड क्या है, एक मटेरियल है जिसका यूज हम करते हैं एब्रेसिव ग्रेन्स को होल्ड करने के लिए टुगेदर, इकट्ठे जो हमारे एब्रेसिव और ग्रेन्स है जो मटेरियल के साथ अच्छी तरह से क्या हो जाएं, होल्ड हो जाएं, और हमारे व्हील को जो भी उसको डिजायर है शेप, वो शेप क्या करें, प्रोवाइड करें। जो भी शेप चाहता है व्हील, हम जैसी भी शेप बनाना चाहते हैं व्हील की, वो शेप क्या करेगा, प्रोवाइड करवाएगा। तो ये हमने पढ़ा बॉन्ड के बारे में कि बॉन्ड क्या है, मेनली होल्ड करना, किसको होल्ड करना, जो भी हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, एब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं, उनको क्या करना, आपस में जोड़ के रखना, उनको बांध के रखना। यो ये बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड चार पांच प्रकार के आगे होते हैं, ठीक है। इनके नाम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जिनका यूज हम ग्राइंडिंग व्हील्स में करते हैं, जिनका यूज हम ग्राइंडिंग व्हील्स में करते हैं। तो बॉन्ड होते हैं जैसे विट्रीफाइड, ठीक है, फर्स्ट है विट्रीफाइड बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड होते हैं कुछ, जैसे विट्रीफाइड बॉन्ड होता है, सिलिकेट बॉन्ड होता है, सिलिकेट बॉन्ड, ठीक है। थर्ड वन है जैसे शैलुक, ठीक है, शैलुक बॉन्ड। फिर उसमें बात करेंगे रबर बॉन्ड की, उसके बाद हमारे आगे आएगा बैकलाइट बॉन्ड, ठीक है, शैलिक बॉन्ड। तो ये हमारे क्या है, ग्राइंडिंग व्हील जो होता है, ग्राइंडिंग व्हील के एलिमेंट में हम पढ़ रहे थे बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड आपको बताया कि क्या करेगा, एब्रेसिव जो पार्टिकल्स होते हैं, एब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं, उनको क्या करेगा, बांध कर रखने का काम करेगा। जैसे बॉन्ड में आगे थे हमारे वेट्रीफाइड बॉन्ड, सिलिकेट बॉन्ड और शैलिक बॉन्ड। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर क्या होता है। नेक्स्ट हम फोर्थ पॉइंट पे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ एलिमेंट के बारे में, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा हमारे जो भी ग्रेन साइज है, ठीक है, ग्रेन की हमने स्पेसिंग कैसे की है। हमारा ग्राइंडिंग व्हील होगा, ग्राइंडिंग व्हील के अंदर जो हमारे ग्रेन्स है, जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, जो हमने ग्रेन्स बनाए हुए हैं, उनका स्पेसिंग कैसे है। ये डेंस भी हो सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ओपन भी हो सकते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील represent the grain spacing, represent the grain spacing। तो ये क्या है, ओपन भी हो सकते हैं या फिर डेंस भी हो सकते हैं, यानी कि जो हमारे ग्रेन साइज के बीच में स्पेसिंग है वो खुले खुले भी हो सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं बिल्कुल क्लोजली जो हमारे ग्रेन्स होंगे, एब्रेसिव पार्टिकल्स होंगे, वो जहां तो इस तरह से होंगे दूर दूर एक दूसरे से, दूर, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो बिल्कुल क्लोज होंगे, इस प्रकार से होंगे, ठीक है। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ओपन। ये क्या हो जाएगा, डेंस।
ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है किसको, रिप्रेजेंट करता है हमारे व्हील के अंदर जो हमारे ग्रेन्स की या फिर एब्रेसिव पार्टिकल्स जो हमारे है उनकी जो लोकेशन है, उनका स्पेसिंग कैसा है कि उनके बीच में जो हमारे ग्रेन्स है, ग्रेन्स के बीच में स्पेस कितना है, तो ये स्ट्रक्चर वो रिप्रेजेंट करता है ग्राइंडिंग व्हील के अंदर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा है लास्ट ग्रेड क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट के बारे में, फिफ्थ एलिमेंट के बारे में ग्राइंडिंग व्हील के ग्रेड। ठीक है, फिफ्थ है हमारा ग्रेड, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है एलिमेंट का ग्रेड क्या होता है। तो आपको बताया जैसे व्हील्स होते हैं हमारे, जो व्हील्स की व्हील सबसे पहले क्या होता है हार्ड होते हैं, जो हमारे व्हील्स होते हैं उनकी हार्डनेस होती है। उसके बाद ये एक ग्रेड में बटे होते हैं कि कौन से व्हील सॉफ्ट होंगे, कौन से हार्ड होंगे, कौन से उससे भी ज्यादा हार्ड होंगे, तो ये क्या होते हैं ग्रेड वाइज बटे होते हैं। तो उन्हीं के बारे में अब हम पढ़ेंगे। जैसे हम इसमें बात करते हैं कि जो ए से लेके हमारी होती है, जैसे अल्फाबेटिक होते हैं ग्रेड में, हम बांट देते हैं हमारे व्हील्स को एब्रेसिव पार्टिकल के हिसाब से कि कौन सा व्हील हमारा सबसे सॉफ्ट है, फिर सॉफ्ट है, उसके बाद हार्ड या फिर वेरी हार्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जो ए बी सी ई सॉरी ए बी सी डी ई, उसके बाद हम एक बार काउंटिंग लिख लेते हैं, उसके बाद सॉरी अल्फाबेटिक लेटर्स लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये हमने एक बार लेटर्स लिख लिए। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं ए से लेके ई तक के, हमने ग्रेड में बांट दिया है हमारे एब्रेसिव पार्टिकल को, व्हील्स को, जो हमारे ए से लेके ई तक होते हैं ये होते हैं वेरी सॉफ्ट, जो हमारे ई से लेके ए तक होते हैं वेरी सॉफ्ट, ये क्या होते हैं वेरी सॉफ्ट। जब हम बात करते हैं एफ से लेके के तक, ये होते हैं सॉफ्ट। एफ से लेके के तक हम बात करते हैं तो ये हमारे होते हैं सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट एब्रेसिव पार्टिकल्स। फिर हम बात करते हैं एल से लेके ओ तक, एल से लेके ओ तक ये हमारे होते हैं मीडियम, ये क्या होते हैं मीडियम, यानी कि मीडियम ग्रेड के होते हैं। फिर पी से लेके एस तक, पी से लेके एस तक ये होते हैं हार्ड, ये क्या होते हैं हार्ड। उसके बाद टी से लेके ये एक्स वाई जेड तक ये सारे क्या होते हैं वेरी हार्ड, ये क्या होते हैं वेरी हार्ड, ये क्या होते हैं वेरी हार्ड। इनको नीचे लिख लेते हैं, ये क्या होते हैं वेरी हार्ड। ये हमारे सारे क्या होते हैं वेरी हार्ड। ठीक है, तो ये हमने एलिमेंट्स पढ़े कि एलिमेंट्स को हमने एलिमेंट्स से एलिमेंट्स में हमने फिफ्थ पॉइंट पढ़ा ग्रेड। ग्रेड में हम क्या होते हैं, जो हम मटेरियल्स होते हैं हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं व्हील्स, हम उनको ग्रेन साइज के हिसाब से उनको कैटेगरी ग्रेड में बांट देते हैं कि जो ए से लेके ई तक के होंगे वो वेरी सॉफ्ट होंगे, फिर सॉफ्ट मीडियम हार्ड और लास्ट में क्या आएंगे वेरी हार्ड। तो ये हमने टॉपिक किया ग्राइंडिंग व्हील में शुरू किया, ग्राइंडिंग व्हील के बारे में पढ़ा, उसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा कि एलिमेंट्स कौन से होते हैं, एब्रेसिव होते हैं। उसके बाद हमने बॉन्ड की बात की, ग्रेन साइज की बात की, ग्रेड की बात की और स्ट्रक्चर की बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे कि जो स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं, ग्राइंडिंग व्हील्स की शेप कौन कौन सी होती हैं, उसके बाद टर्निंग ट्यूरिंग क्या होती है, ड्रेसिंग क्या होती है, ग्राइंडिंग मेथड क्या होते हैं, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।